हेलो, सुबह की राम राम। और सुबह अब मैं घूम के आ चुकी हूँ। आज मैं घूमने गई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा डाउन रहती है, अब जब बिना घूमे थे इसलिए मैं घूमने चली गई थी। और हाँ कर देखा साहब, ऊपर खड़े हैं। हेलो, आप नहीं चले घूमने, मेरे साथ घूमने चले? घूम गया। सही है, मैं भी घूम के आई हूँ। और घूमने आने के बाद मैं छत पर आ गई थी, और चल के देखती हूँ अब नीचे। पहले तो मैं अपनी हरियाली दिखाती हूँ आपको। वाह, क्या फूल आया है गुलाब का, ये देखे। गुलाब के फूल से एक बात याद आ गई, तो पुरानी पिक्चर का गाना है नी, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में चेहरा जनाब का। तो पुराने आदमी तो पुराने गाने याद करेंगे और पसंद करेंगे। अब नीचे चल कर देखते हैं नए आदमियों को, नया जोड़ा क्या कर रहा है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा नया जोड़ा भी बेटे वो भी खुश रहे जैसे मैं खुश रहती हूँ। ऐसी वो रहने की कोशिश करती है, अभी नई नई है, सब आदत पड़ जाएगी। और मैं अपने जैसे ही बना दूँगी उसे। अब देखे उसने रसोई का मान थाम लिया फिर लगी पड़ी। हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज बनाएगी करेला, ये कटा रखा करेला, और प्याज काट रही है। सुन, अगर प्याज काटने में दिक्कत हो रही ना बेटा, छील के पानी में डाल दे, ठीक है? चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर इन्हें व्लॉग का गौरव। हम आप अपना गौरव को शुरू करते हैं एक नए व्लॉग को। आपसे गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता दी। और आपकी सारी सुबह हो चुकी है और 7 बजने वाले हैं, और मैं 6:30 बजे उठ गया था, और अभी मेरे लिए गर्म पानी हो रहा है। पानी रखा, गर्म पानी कर रहे हैं, खाना बनाने लग रहे हैं। और बताओ मेरी, अब ठीक है? आपके जाड़ का दर्द आराम है? आराम था, उन्होंने कहा 5 दिन की दवाई थी, आराम होता होता ही होगा। और हाँ, तो उठी नहीं अभी, और पंखा लग गया, पूरा पूरा हवा फेंक रहा है पंखा। तो यही है, पापा जी भी नहीं उठे अभी, घूम रहे सही है। हेलो, राम राम जी, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। सुबह के 8 बज चुके हैं, गौरव जा चुका है, और अब है गौरव के पापा के जाने की तैयारी। देखे रूही की मस्ती, देखे जाने देती है इतना। हेलो कर दो, हेलो, कहाँ जा रहे हो आप रूही? कहाँ जा रहे हैं आप, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं आप। वर्षा लग रही है, साफ सफाई में और मैं अभी नहा के आई हूँ, फिर करती हूँ पूजा, कान्हा जी को नहलाती हूँ। कैसे आई हूँ दवाई लेके आई हूँ अभी, तो पता नहीं क्यों मेरी जाड़ इतनी बेकार हो रही है। इसका डॉक्टर कह रहा कि पस बन रहा है दवाई खानी आपको भी 2-4 दिन, तो इसलिए मैं दवाई लेकर आई हूँ। और आकर देखा तो अदिति तो लगी पड़ी है कपड़े धोने के लिए। आज तो हाथ से ही लग रही है, वो भी धोने हैं, हाथ से ही धो रही है। और दोपहर का एक बज चुका है, और दोपहर के खाने की तैयारी हो गया शुरू। मैंने ना पतली सी खिचड़ी बनवाई है, क्या बोलते हैं उसे, भेजड़ी, जो मतलब आराम से खाई जाए, क्योंकि मेरा मुँह कम खुल रहा था जाड़ की वजह से। तो ये देखे मेरी क्यूट सी बेटी, दोनों मिलकर काम कर लेते ना, एक ने बहू ने कपड़े धुल लिए, बेटी ने खिचड़ी बना दी। करेले काटते हैं अब, जा क्या कर रही है ये, अब जा करेले बनाए, काट के इसके भी हटेंगे क्या, ये थोड़ी हटेंगे? ये नहीं, ये तो जब भर के बनाते हैं ना, जब हटते हैं, अब तो ऐसे काट के ना इनमें नमक डाल के ऊपर धर देंगे धूल में, ठीक है? ये सुबह की तैयारी है करेले की, क्योंकि गौरव जब सुबह खाना लेकर जाएगा
ड्यूटी पे, तो उसके लिए बना के अब धूम में रख देंगे ना, काट के सुबह बनेंगे ये। चलो करो है, मैं कपड़े डाले हूँ अदिति ने, कपड़े आज तो हाथ से धुल कर रख रखे हैं अदिति ने कपड़े, ये रखे बाल्टी भरी रखी है। बस वो डालने जा रही थी ऊपर, मैं बोली बेटा तू अभी रुक जा, मैं डाल आऊँगी इन्हें ऊपर छत पर और आपसे मिलेंगे मैं कपड़े सुखाने के बाद। देखिए दोपहर के 3 बज चुके हैं और खाना खाने के बाद में, थोड़ा आराम करने के बाद में, मैं अब लगा रही हूँ साड़ी पे फूल, क्योंकि अब मेरे मुंह मतलब थोड़ा सा सूजन भी कम है और मैंने खाना भी खाया, आराम है मुझे। ये देखिए मैं अपनी साड़ी में फूल लगा रही हूँ, ये हल्की सी साड़ी है जो गर्मियों में अब काम आएगी मेरे, मैं बांधा करूँगी क्योंकि अब नवरात्रि से रोज आएंगे तो नवरात्रि में कीर्तन में भी जाना पड़ता है, इस वजह से मैं नई साड़ी तैयार कर रही हूँ। ये देखिए मैंने कुछ तो लगा लिया है, कुछ लगाना बाकी है। और दिखाती हूँ मैं आपको, मैं फूल लगाने के बाद में जब तक कुछ तो फूल लग चुका है, कुछ बाकी है। इसे अदिति को यह कहता कि आराम कर ले थोड़ी सी देर, नहीं लगी पड़ी बर्तन में, इससे भी आराम से निकल जाएगा थोड़ी सी देर। और 3:30 बजे है, माँ बेटा थोड़ी देर आराम कर ले, नहीं आगे बर्तन मेरे साफ करने के लिए। अब तो इसका काम भी बेचैनी से करती है। अब फिर सजाना है, आज इसका खाना का रखा है इसके चाची जी ने, उधर जो गोरख की चाची है उन्होंने खाना क्या हुआ है, उधर घर जाएंगी। आज 5:30 बजे का जब मैं दूध लेकर आ जाऊँगी तभी उधर आ जाएंगे। शाम के 6 बज चुके हैं और आज तो गोरख भी जल्दी आएगा क्योंकि उसके चाची की तरफ उसकी चाची ने खाना किया हुआ है। और अदिति और वर्षा जा लिया तैयार होकर और मैं चलती हूँ ऊपर, कपड़े जो सुखा रखे थे अदिति ने धुले थे उतार कर लेकर आती हूँ। और भाई मैं नहीं गई अभी क्योंकि मेरी तबीयत जो सही नहीं है, मैं इस वजह से नहीं गई, मैंने वर्षा को भेज दिया साथ में और फिर गोरख चला जाएगा, उसके पापा छोड़ के आए हैं। मैंने उतारती हूँ कपड़े। सो गाइस अभी हम चाची जी के यहाँ पर आए हैं, चाचा जी के यहाँ हमारी आज दावत हुई है, दावत करके एक लड़की दुल्हन जी दुल्हन वर्षा वर्षा भी वहाँ काम कर रहे हैं, वर्षा आई हुई है, ये छोटा भाई वो बैठा हुआ ये देखो क्या कर रहा है, दिखाता हूँ अपना भी डॉक्टर बन रहा है, टंके अपना भी काट लिए भाई ने, वाह भाई वाह, मैं तो मौज कर दी, सही है घर के डॉक्टर। अच्छा सही है भाई, और मैं जॉब से सीधा ही आया था, देखो जुराबे से पैर रखिए, जॉब से आते ही मुँह हाथ धो गई, सीधा यहीं आ गया था मैं। और अभी अनमांटल में गए थे, अनमांटल पे जाकर अभी बैठे, देखो तिलक भी लग रहा है। Wow.